जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रूस के आदेश पर यूक्रेन में सनसनी, और आधी रात को जब लोग सो रहे थे तब इसरो ने रच दिया इतिहास। वहीं राफेल से भी खतरनाक फाइटर जेट बना रहा है भारत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों रशियन ऑफिसर ने खेरसोन में रहने वाले नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। अभी तक इन लोगों को निकालने का काम काफी धीरे चल रहा था, क्योंकि रशियन ऑफिसर्स को डर है कि यूक्रेनी सेना कब्जे की जवाबी कार्रवाई के दौरान आम लोगों को निशाना बना सकती है। एक टेलीग्राम पोस्ट में रूस समर्थक खेरसोन प्रशासन ने तनावपूर्ण स्थिति, गोलीबारी और आतंकवादी हमलों के खतरे का हवाला देते हुए लोगों को रूसी क्षेत्र में नीपर नदी के पार जाने का आदेश जारी किया है। वहीं पश्चिमी देशों को आशंका है कि आम लोगों को निकालने के बाद यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बम कम क्षमता वाला होगा, जो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाएगा जहां यूक्रेनी सेना की मजबूत स्थिति होगी। साथ ही रशियन बॉम्बर TU-160 और TU-95 पहले से ही यूक्रेनी सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये बॉम्बर एक बार की उड़ान में दुनिया में किसी भी जगह पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइलों को दाग सकते हैं। वैसे रूस इन लोगों को निकालकर ज्यादा सुरक्षा वाले दूसरे क्षेत्रों में ठहराने की व्यवस्था कर रहा है। इन लोगों को नौकरी, खाने पीने के सामान, अस्पताल, आर्थिक सहायता सब रूसी सरकार उपलब्ध कराएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खेरसान के लोग अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन ऑफिसर्स उन्हें मार्शल लॉ का हवाला देकर घर को जबरदस्ती छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। साथ ही यूक्रेन का आरोप है कि मॉस्को आम यूक्रेनी नागरिकों को बंधक बनाना चाहता है और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो हमारे लोगों को अपने सुरक्षा क्षेत्र में लेकर जा रहा है। पुतिन ने बुधवार को खेरसोन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की एक डिक्री पर सिग्नेचर किया था, और वे पहले ही इन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने पुतिन के इस कदम को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। तो देखते हैं रूस यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा या नहीं। वहीं आधी रात को जब लोग सो रहे थे तब इसरो एक नया इतिहास रच रहा था। भारत का सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV MK3, जिसे अब LV-M3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है, ये कमर्शियल मार्केट में डेब्यू करने जा रहा था। अपने पहले कमर्शियल मिशन पर इसे वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना था, जिसमें ये कामयाब हुआ और 601 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती की निचली कक्षा में सभी 36 सैटेलाइट सफलता से स्थापित हो गए। साथ ही इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने बताया कि 36 में से 16 सैटेलाइट उन कक्षाओं में स्थापित हो चुके हैं जहां हम उन्हें डालना चाहते थे, और ये एक ऐतिहासिक लॉन्च है क्योंकि LV-M3 का ये दूसरा ऑपरेशनल मिशन और पहला कमर्शियल लॉन्च है। दोस्तों वनवेब ब्रिटेन स्थित एक प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, जिसमें भारत की भारतीय इंटरप्राइज एक मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है। साथ ही MK3 का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, इसके अब तक के सभी 5 मिशन पूरी तरह से सफल रहे हैं। वहीं भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, ये राफेल से ज्यादा नई तकनीक वाला होगा, साथ ही दुश्मन के लिए ज्यादा घातक और रडार को आसानी से चकमा दे सकने वाला होगा। डिफेंस मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट EMCA तैयार कर रही है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए हैं, और ईरान भी इसे बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के इस फाइटर जेट का डिजाइन पूरी तरह से तैयार है। वैसे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस सिंगल इंजन का है, वहीं ये स्वदेशी जेट डबल इंजन का होगा जो 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। वहीं दुश्मन का रडार इसे दूर से भी पकड़ नहीं पाएगा, और जब तक उसे इसकी भनक लगेगी तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि दुश्मन के पास बहुत कम रिएक्शन टाइम बचेगा और ये फाइटर जेट अपना टारगेट बर्बाद कर चुका होगा। वैसे फाइटर जेट में मिसाइल और हथियार जेट के नीचे और विंग के नीचे लगे होते हैं, जिसे दुश्मन रडार के जरिए देख सकता है कि कितने हथियार हैं। लेकिन नए जेट का डिजाइन ऐसा होगा जिससे दुश्मन को हथियार का पता नहीं चलेगा, और इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू जल्द ही पूरा हो जाएगा। साथ ही 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में सिग्नेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी वे रडार की पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बाहर से कोई हथियार या मिसाइल नहीं दिखेगा, सब कुछ अंदर होगा, तो इसका सिग्नेचर भी दुश्मन का रडार नहीं पकड़ पाएगा। इसमें सामने इंजन का फैन नहीं दिखेगा, और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में एंटीना बाहर होता है, लेकिन इसमें वो भी अंदर होगा। वहीं दोस्तों ये भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।